सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझसे ज़्यादा अब तुम्हें अपनी प्राइवेसी पसंद है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का लफड़ा हुआ और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं काजल राघवानी कैसे रो रो कर खेसारी लाल यादव से सॉरी बोल रही हैं। ये वीडियो काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला और ये वीडियो वायरल हो गया है। खेसारी लाल यादव को काजल राघवानी से ज़्यादा अपनी प्राइवेसी पसंद है, ऐसा काजल राघवानी ने इस वीडियो में कहा है। जी हाँ दोस्तों, काजल राघवानी ने कहा है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें तुम्हारी प्राइवेसी पसंद है। जी हाँ दोस्तों, काजल राघवानी ने यही कहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर काजल राघवानी इतनी बड़ी बात बोल गई। काजल राघवानी का कहना है कि खेसारी लाल यादव की ऐसी कौन सी प्राइवेसी है जो वो काजल राघवानी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। काजल राघवानी ने रोते रोते ये बात कही, ये भी कहा कि वो खेसारी लाल यादव के रास्ते में अब नहीं आएंगी, उनके रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं डालेंगी वो। जी हाँ दोस्तों, वैसे उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि वो खेसारी लाल यादव से प्यार करती हैं। जी हाँ दोस्तों, काजल राघवानी ने ये बात कही है, उन्होंने कबूला है, उन्होंने कबूल किया है कि वो खेसारी लाल यादव से प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है, ये आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं कैसे उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, उन्होंने रोते रोते ये बात कही है। कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ में हुई होंगी काजल राघवानी जो ये बात बोली हैं, उन्होंने खेसारी लाल यादव से सॉरी कहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे और भी ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बगल की घंटी को भी दबाइए। साथ ही साथ क्या आप चाहते हैं कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी फिर से एक हो जाए और ये दोनों साथ साथ फिल्में करें? जबकि ये दोनों जोड़ी सुपर डुपर हिट रहती है और रही थी। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव एक दूसरे के साथ बहुत सारी ऐसी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन अब देखिए क्या हो गया, काजल राघवानी अलग रास्ते और खेसारी लाल यादव अलग रास्ते, दोनों के रास्ते बदल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव एक हो जाएं और एक साथ फिल्में करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि काजल राघवानी खेसारी लाल यादव से दूर हो जाएं तो इस बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने सब तुमसे प्यार किया है,